रोज रोज नगारा बजा के तुसी कहना की चाहुंदे मामा जी, जंगा जुद्दा दा समा तां हुण कोई रह नहीं गया। जंग तलवारां वाली सदियां पहलां चित के आ गए, पर तमक नगारे दी अज भी। जंग कलम दी चित्तण नूं कहिंदी है। वट दिमाग ते बोझ ना पा छोटे वीर, सुत्तियां रूहां नूं जगाउण लई वजदा आया है नगाड़ा, ते हमेशा ही वजदा रहेगा। और जिस दिन तेरी रूह जाग पई, समझ आप ही आ जाएगी। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਆ, ਰਬਾਬ ਭਲੀ ਵਜਾਈਦਾ ਏ, ਨਾ ਕੀ ਏ? ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਜੀ ਦਾਨਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਾਵੇ। ਅਸਾਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ।
तड़के उठ के फिर तू खड़ाका जा करी जाना कर का दा गुरुद्वारा बनाया होया किलो 850 ग्राम दूध पा दे पूरा किलो करा लो पूरा मैं आपे कर लूं तू पा अब पानी तो पलाई जार जरा ओ पानी पलाओ ए ले आवे अब हाँ तकन मैं आपे लगा लूं ओ दूध बराबर है वीक नहीं तेरा ₹40 दूध तेरा लस्सी नाल भी पतला ते रेट लगा रहे घ्यो दा आ फड़ 30 रुपये 40 दा लगदा बल्कि एदे नाल ते तेनू एक समोसा फ्री देना चाहिदा हां लड्डू तोल दिया ना ना मैं कल आऊंगा ना 750 ग्राम लैन दिमाग खराब करता सवेरे जी आया पिया लो जी सब तो पहला मिलो साडे प्यारे वीर दिलजिंदर सिंह नू इना बारे कुछ क लखण दा तुसी ला ही लिया हुण बाकी चानना मैं पा दन्ना ए नोखा पद्धर पुरश वैसे तां एक रेस्टोरेंट दा मालिक आ पर नाल ही श्री आनंदपुर साहब या ए कह लो के आनंदपुर साहब दे आले दुआले विच बतौर प्रॉपर्टी डीलर काम भी करता है पोच के बन्नी पग ते फिक्सो वाली दाढ़ी विचों जद पोच मियां गल्ला करता है ता अगले दा ध्यान अपने मोटे ढिड ते खोटी नीयत वल बिल्कुल पैण नहीं दिंदा वैसे स्कीमां दी तां इन्हां नूं कोई थोड़ नहीं हुण दूर कानू जाना आही वेख लो अकली कार ते 8-7 लख लाउण नालों आ 1.5 लख दा एक बंबू काट बना लिया नाले पैसे दी बचत ते नाले यूनीक लुक एक टोटका नहीं हुंदा आके खांदी छोले ते ढकार बदामां दे मतलब रहना पिंड च ते एड्रैस लिखना श्री आनंदपुर साहब दा इस घर दे बाहर लगी नेम प्लेट तो बाकी तां तुसीं सारा कुछ समझ गए होवोंगे पर MDM ने थोड़ा सानू जरूर भंबड़ भूसे च पाया चलो ये मैं क्लीयर कर दिंदा MDM दा मतलब मोया दी मंडी हाँ जी ये नाम है जनाब दे पिंड दा वैसे इस गल्लों तां दविंदर सिंह भी सच्चा हुण तुसी आप ही सोचो कि एक प्रॉपर्टी डीलर नू अपने पिंड दा नाम मोया दी मंडी दसना की शोभा दिंदा दलजिंदर सिंह दे परिवार दी बंजर धरती ते इको एक हरियावला रुख है ओ है उसकी धर्म पत्नी श्रीमती बलजीत कौर जो तनो मनो गुरसिख है ते अपने पुत्र युवराज सिंह नू भी इसे राह ते तोरना चाहुंदी है हेलो बैठी चौंकड़ा मार के ओ मैं क्या ठत्तियां ते 3 आउट हो गए टीवी ला ओ टीवी ला मूरत कड़ेंगी हुण छेती कर वाहे गुरु पर दलजिंदर सिंह ने ना तो कदे आप ही उसकी कदर की ना ही अपने पुत्र युवराज सिंह तक ओदी ठंडी छां पहुंचन दिती Smashing sixes at will. Here he goes again, deep in his crease. He's just made his 9th one day ton. No! Oh, he's smashing through the... You're kidding! Oh, वेख्यो किते भुलेखा ना खाजो कि बंदा सलाद नाल लस्सी पी रहा
दरअसल दलजिंदर सिंह विच इको एक ते चंगियाई है, वह अपनी घरवाली बलजीत कौर का लिहाज करके थोड़ा जिहा उहदे कोलों पर्दा कर लैंदा। पतंदर झुलसदा तां शराब ही है पर पा लस्सी वाले गिलास च लैंदा। सो दुनियादारी विच हर किसी नूं थुक लाउण वाले शख्स का इको एक निशाना कि अपने इकलौते पुत्र युवराज सिंह नूं सब तो बेहतर सिद्ध करना। सो इसलिए यार भी उही है ते उहदी संपत्ति भी उही है। निशाने की पूर्ति लई जे प्यो का पुत काबल बन गया तो ठीक, नहीं तो पुत दे प्यो ने मतलब दलजिंदर सिंह ने आप कोई जगाड़बाजी ला के टिब्बिया ते पानी चाढ़ता देना ही हुंदा। लाडला युवराज अपने पिता के नक्शे कदम से तुरदा, तुरे भी क्यों ना, यही जी कोको ओहे जे कोको दे बच्चे प्यो पुत दोवें सिरे दे फुकरे। लो जी सिफारशां ते परचियां दे जोर ते युवराज सिंह ने बारहवीं पास कर ली ते दलजिंदर सिंह ने उन्हूं आस्ट्रेलिया भेज दिता होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर ले। एजेंटां नूं पैसे भी दिते ते दो साल दीआं फीसां भी भरियां, पर प्यो दा पुत पढ़ाई करन दी थां ते ड्रम कुटदा रहा। उधर पढ़ाई चों फेल हो गया ते इधर वीजा एक्सपायर हो गया। हुण पल्लेओ पैसे खर्च के वापस बुलाया, पर दलजिंदर सिंह फिर भी खुश है। वह अपने पुत्र ते माण करन दा कोई ना कोई बहाना तो बना ही लवेगा। ऐथे की करना है आपा? आपा ना ट्रेन लुटन आए हां। ओहो समझदी नहीं आ तू, ओ तैनू सरप्राइज देना सी कि इत्थे अज युवराज आ रहा है। युवराज ट्रेन ते? ओ तेरा रब भला करे, सरप्राइज तो मैं लीक करता, ओही तो सरप्राइज देना सी तैनू। देख हुण तू गल सुन, ओ आएगा ना तो तू सरप्राइज हो जी। सरप्राइज मतलब समझदी है ना, इदां युवराज इदां वाला। देख तू गड़बड़ कर रही है। ठीक है, नहीं तो हमेशा गड़बड़ कर दिया। देख ठीक है, सरप्राइज, ओ युवराज आ गया। सरप्राइज सरप्राइज भाई। छड़ जरा मेरा पुत्र, आ मेरा इंपोर्टेंट रिटर्न पुत्र, आई शाबाश। कितना हैंडसम लग रहा मेरा फॉरेन रिटर्न इंपोर्टेंट पुत्र। एक मिनट ठहर, पाजी दियो जरा, तुहाड़ा काम हो गया, तुसी निकलो, ठीक है? ओके जी। ओ मैं क्या पुत्र मेरा फॉरेन तो आ रहा है इंपोर्टेड बन के, है वो स्पोर्ट्स कार तो कट की चलाऊंगा, है ना? ते लो जी तोहफा कबूल करो, है ओ बह के वेख, ओ एकदम न्यू ब्रांड बनवाई है। हां नवी बनवाई है भाई, बह जा। हां भाई है ना वधिया, लाउणी फिर पापे ना रेस, तू एदे च मैं एदे च बोल, ओए सारा शहर भी देखूगा कितना फॉरेन रिटर्न मुंडा जांदा शूकदा। शहर तो शूक दे लंग जांगे, पर मोया दी मंडी ते जेडे डड्डू छड़ापे वजने ने ओहो सारी सरदारी ओते शुशू हो जानी है। ओदे च मेरा की कसूर है? नाले तुसी चलो, मैं अपने दोस्तों नूं मिल के आउणा। हाँ तो फिर ठीक है पुत्र, तू जा अपने दोस्तों नूं मिल ते मैं जाके शाम लई सब्जी खरीद के लेके आना, ठीक है? देखते हैं कौन पहले पहुंचदा। बोल थोड़ी तमाशा फिर शुरू हो गया, जो पहला पहुंच गया जीत जाएगा, ठीक है? चल फिर। ओए सामान, ओ सामान, ओ चल 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 छेती चल छेती, ओ तसी पई तसी पई हेते तो काट छेती काट। पिछों देखता तो नहीं, हाँ ठीक रहेगी जगह है ना। मुंडे दे आउण दी खुशी होर हुंदी है। टाइम की होया? हाँ बस 15 मिनट हो गए सानू इत्थे उड़ीकदिआं नू। छड्डो ओनू, तुसी ऐ करो मैनू घर लायाओ, मैं ओनी देर सब्जी बना लैनी। ओ तू सब्जी वाली चिंता ना कर, सब्जी अज मैं अपने हत्थां नाल बनाऊंगा। पर नाले गल दस, तेनू जे मैं घर छड़ के वापस इत्थे आऊंगा ते उन्हूं पता नहीं लगेगा मैं जान के जता रहा उन्हूं, हैं? पुछेगा जे मम्मी किथे गई फिर की कहांगा? कमाल कर दी। पर तुसी युवराज नूं जान बुझ के जता क्यों रहे हो? ओहो हो हो कमलिए तेनू की पता, पुत्तर दे हत्थों ना हारन दे विच ही प्यो दी असल जित हुंदी है। हां बाजीगर किरण, किरण नी बलजीत। हां Bye, Dad. चलो
चलो जी बाजीगर जी चलो चलो ओए, निकल गया आगे और रुक जाओ आगे 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 मैं भी आ गया ओ बल्ले 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 चलो भाई चलो 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 ओ देख सरदार ये जैफ हट जो पीछे ओ हट बीती साइड से हो जाओ ओए बीट द जैफ गो हेड मेरा चैंप कांग्रेचुलेशंस ज्यादा करे लग जा एक मिनट कांग्रेचुलेशंस टू यू टू डैड तो हड्डे 50-60 हज़ार बच गए मेरे 50-60 हज़ार क्योंकि जिस नकली स्पोर्ट्स कार ना मैं तुहाडे बंबू कार नु भी ना हरा सकदा तां मैं इस नु अग ला देनी सी अग जी ते आ लो बनाओ सब्जी जे मेरे पेट चकना ना लगी हुंदी तां मैं सब्जी नु अग ला देनी सी ते समान नु भी हां हां ले आ रिया यार सारी अग लाओ मैनू अपने हथा ना सब्जी बनाई है तेरे लिए तड़का मार के हां नाले अज प्यो पुत्र ने कठे बहना वाओ आर यू सीरियस डैड ना होर मैं हॉस्पिटल दे बेड ते बह के दसा मैं सीरियस हां चल बैठ जा गो सिट चल ओके अब फनी तू जरा सलाद काट दे तू अच्छा काट दिया ना सलाद काट दे तू ठीक है ओके बड़ी मुश्किल ना तेरी मां दी नजर तो बचा के ले आया कोला पता पुत्र रोज जद शाम नू मैं ऐदा इत्थे बैठदा ना मैनू ऐसा लगदा जिद्दां मैं इत्थों दा महाराजा है पर पुत्र तेरे तो बगैर मेरी सल्तनत अधूरी सी पर मैनू लगता है अज वो वेला आ गया है कि मैं अपने युवराज नू इस राजभाग का वारिस घोषित करा ए ताज अज तेरे हवाले है पुत्र ले फड़ हाँ केड़े खूच सुट्टन लगे हो मुंडे नू पाता खूच महाराज नू ओ कादा खू ओ पुत्र जवान हो गया ना इन्हें सोसाइटी जुठना पैना ओ जिन्ने दारू दा स्वाद नहीं वेख्या ओ कादा बिजनेस वधाऊगा हैं कमाल कर दिया यार ओ छड़ यार तू चेस कर हैं शुरू हो जा हैं शाबाश है हुई ना सरदार वाली गल पुत्र इधर तेनो एक गल समझावा तो जो भी काम करे ना बिल्कुल सिरे दा करी सिरे मतलब एकदम टॉप टॉप समझ ला तू डाकू बन गया लेकिन डाकू केड़ा जिदे ते घट्टो घट 15-20 लाख दा इनाम होवे मैं कहना बल्कि 50 लाख दा होवे हैं वड्डा होवे मतलब ए नहीं कि छोटा मोटा चोर बन जाए जिन्हों कोई भी एवं लल्ली छल्ली जे आके एवं दबका मार के चला जाए समझे समझे ना फिर दस होर पावा ओ नहीं नहीं लाएगा अपने बापू नाल इस काम च भी रेस बोल ओ जी तुहाडा एक्सपीरियंस बहुत वड्डा है मेरा जे पहला दिन है थोड़ा टाइम दो जित के तुहानू मैं आ रेस भी दिखावा जितेगा पुत्र मेरा हां जरूर जित पहला मम्मी नु मना मम्मी ओ रुको यार मम्मी नु छड़ आ गया ओ यार ओ ते रोत होके फिर लेने चा देगी तू इथे आ यार ओ तुसी पीओ आ रहे मैं मैं ते एवी बार नु तैयार ही जांदा सी जहाज दी थकावट ही इन्नी है कि हुणे सोना पैणा नहीं तो 3 दिन रोक नहीं होना तुसी कोई साखी सुनाओ ना मां तुहानू पता है
मैं ऑस्ट्रेलिया जाके तुहाडी सुनाईयां साखियां किन्नियां याद करदा रहा। ओ की कहंदे ने, गुरु नानक साहब ने कहया, तुसी सुनाओ ना मां। गुरु नानक साहब ने की कहया, सिर्फ ए दोहरान नाल गल नहीं बननी, हुण ध्यान दे उना वल जिन्हां गुरसिखां ने उना नू सुनिया ते मन्निया। हां जी, तुसी सुनाओ ना। एक गुरसिख होए ने भाई जय सिंह जी, जिन्हां दे पिता जी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी पासों अमृत छकिया ते करीब 8 साल की उम्र विच भाई जय सिंह नू भी गुरु जी दे लड़ ला दिता। कौन है? हाँ? सुफने विच तुसी मिले असानू, असा तागल वकड़ी पाई, मेरा नूर तुसी हाथ ना आए, साड़ी कंबदी रही कलाई, ता चरणा विच सीस निवाया, साडे मत्थे छो ना पाई, तुसी 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 उच्चे असी नीवे सां, साडी पेश न गई आकाई, फेर लड़ फड़ने नू उठ दौड़े, लड़ ओ बिजली लहरा, उड़दा जांदा पर ओ अपनी इक छो गया लाई, मिट्टी चमक पई है मोई, ते तुसी लूआं विच लिशके, बिजली गूंद गई थर्रांदी, हुण चका चौंद है छाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बल्ले ओ बलैतिया, तू तां कमाल ही कर दित्ती, मैनू तां डर सी किते तू अंग्रेजी जोगा ही ना रह गया होवे। ओ तू तां कवितावां बोली जांदा, ओ वी भाई वीर सिंह दियां। मामा जी, मेरे बचपन च तुसी तां सिखाईयां ने, पर तैनू हले तक याद ने। मैं भी कदे ख्याल नहीं कीता, पर तुहानू वेखदे ही सब कुछ ताजा जिहा हो गया। ओ जिउंदा रह शेरा, चल छेती तैयार होके आ जा, आपां इकट्ठे बह के नाश्ता करांगे। चल आ जा। शराब पिलाउण लग पए ने युवराज नूं। ओ बीयर पिलाई सी, बीयर शराब शराब लाई हुई है ना, मुंडा जवान हो रहा है, निकल नूं बाहर लोकां नाल लुक लुक के पीएगा, उस चंगा ते ही है ना कि प्यो नाल बैठ के पीवे, ओ घट तो घट नजरां दे अगे तां रहेगा। वैसे इहनूं क्यों कुछ बोल रही है, ए विचारे नूं की पता दुनिया कित्थे पहुंच गई है। शायद ऐसे करके बचे है, नहीं तां तुहाडी दुनिया दा असर तां युवराज ते दिस ही रहा ना, बाहर गया सी तां दाढ़ी कटवाया आ, ते हुण लग पए ओ शराब दे राह ते तुरन। ओ रहण दे, शुक्र कर मुंडा बाहर गया, कुछ समत ते आई, कुछ अकल ते आई, दाड़ी दाड़ी लाई हुई है,
ना तो मुंडे नू ग्रंथी लाउणा है, दाढ़ी है जिन्हां दी रहण दे उन्हां कोल। हां ओए मेरा पुत्तर तू क्यों टिल्ला पिया होया, आ मेरा बच्चा इधर आ पुत्तर, प्यो कोल आ अपने। ओ प्यो जिंदा हले तेरा, बैठ मेरा बच्चा। शाबाश, नाले गल सुन लो तुसी, ए अपनी पेक्यां दी मत ना पेक्यां तक ही रखियो। हां लेट हो रहा होना नहीं दलजीत? हां जी हां आंदा रही है। डैडी नाराज करता ना तुसी मामा जी नू। ओ रहन दे यार, ओ पुत्तर तू अपना रेस्टोरेंट संभाल, ओ तू अपना करियर वेख यार, नाले तेनू ओ कहावत नहीं पता, जिन्ना दे कोठी दाने उना दे कमले भी सियाने, नहीं उना दे बथेरे मामे बन जाने। पर डैड मैं तो हाडा रेस्टोरेंट जॉइन करन तो पहला एक दो साल कॉलेज जाना चाहना। ओ मेरा पुत्तर ओ मैनू एक गल दस, ओ तेरा होटल मैनेजमेंट का कोर्स अगर नहीं होया पूरा तो क्यों तू लग्या होया यार, छड़ दे ना तू सर्टिफिकेट लेके तू नौकरी लेन जाना है। मेरे बच्चे साडा रेस्टोरेंट वधिया चल रहा है, तू और रेस्टोरेंट नू संभाल, तू रेस्टोरेंट नू संभाली, मैं फुल टाइम अपना एस्टेट एजेंसी संभाल लूंगा है। पर डैड यू डोंट नो, मैनू म्यूजिक दा बहुत शौक है, ते ऑस्ट्रेलिया विच भी 2 साल ड्रम्स ही सिखे ने, ते हुण बस एक वार कॉलेज दे यूथ फेस्टिवल विच सब नू दिखाउणा चाहुंदा है कि विराज दे हत्थां विच कैसा जादू है। ठीक है फिर विखा दे अपना जादू, सोचना का दा है, छा जा मेरे पुत्रा। मैं कोई भी बीट बजा सकता है, जे कि तुहाडे रैपर्स ने आई कैन रियली जैम इट। वी विल लेट यू नो, थैंक यू। नेक्स्ट। ओके बथेरा हो गया, चलो अपनी अपनी क्लासा विच। सिलेक्शन कमेटी दा जो भी फैसला होएगा नोटिस बोर्ड ते लग जाएगा। बत्तीजी, दे नॉट फिनिश्ड येट।
How can you make a decision without seeing their full act? Student union the president? मैं हाँ। कॉलेज फेस्टिवल्स केड़े स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे? ए मैं डिसाइड करांगा। तो अडिया रेकमेंडेशंस दिया पॉसिबिलिटीज? मेन्यू नजर आ रही है ने? I'll keep you all in mind. Now leave. आगे जी सी ओए? ओए, तू इनू नहीं जानदा? नहीं। शराब दे ठेकियां दे बादशाह दा मुंडा है। अच्छा। स्टूडेंट यूनियन दा तक्के नाल बनया होया प्रेसिडेंट। सिरे तक पहुंचा भाई दी। चल छड्ड यार। हाले तां मेरी कविता आउणी सी, सारा सीन बाकी सी। जे तुसी इक वारी सुन लैंदे तां सानू ही सिलेक्ट करदे। जब तक कि तेजी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है, तुहाडा टैलेंट ते साडी रेकमेंडेशन का कोई मुल नहीं पैना। अगे भेजेगा इस सर्विस दे चमचियां नूं, जिन्हां दी ना तां वजह कता पंजाबी है, ना बोली ते ना ही सोच। तुहाडी आइटम किसी ने इंप्रेस करन वाली है भी नहीं, ना कोई ढंग दा म्यूजिक ते ना ही कोई बीट। ओही पुराना रोना, गरीब लोग, पिछड़ियां जातां, बराबरी दीआं मंगां, फेर कहिंदे असीं पता नहीं पसाणे कित्थों जांदे आ। कुचले होए नूं जे इंसाफ ना मिले तो उसनूं सिर्फ ऐस करके नहीं चुप कर जाना चाहिदा, क्योंकि इंसाफ दी मंग काफी देर तो कर रहा है, ते ना ही ऐस करके चुप कर जाना चाहिदा है, क्योंकि शायद उसकी आवाज किसी नूं पसंद नहीं आ रही। एक कॉलेज लाइफ है, कोई यूथफुल गल करो, अपना टैलेंट दिखाओ ते एंटरटेन करो दुनिया नूं, लगे हो शेड्यूल कास्टां दे बुलारे बनन। तेरी कुतरी हुई दाढ़ी देख के लग गया सी वी तू थिड़क्या होएगा, पर तू ता जमे ही खोखला है, सरदारा वाली कोई ता गल कर। सरदारी साड़ी पूरी कैम है, कोई खंके ता विखावे, फॉरेन रिटर्न आ, वेस्टर्न बीट्स ता मास्टर आ, स्पोर्ट्स कार रखी है, पर तो आनू पेंडू आनू की पता कि दुनिया किथे पहुंच गई है। बस ये हो रहेगी इसे सरदारी भी किसी नू बोलन तक की खंगन भी नहीं देना। हाँ, सरदारी बख्शी सी गुरु साहब ने ताकि हर किसी नू अपनी गल कहन दा मौका मिल सके, जे किसी नाल भी धक्का होवे तां सरदार उसनू आसरा देवे ते इंसाफ दवावे, पर जे थोड़े वर्गी सरदारा नू रोटी सौखी मिल लग पई है ते आप उधरे हो गए हो। जे सच्ची सरदारी कायम है ना तां बाण आवाज उन्हां लोड़वंदां दी, जिन्हां विचों कदे तेरे वडेरे भी एक सन। जे है टैलेंट तेरे विच तां वरत उसनू उन्हां दे बोलां विच गूंज भरन लई, पर तेरे ड्रम की धमकां पाउणगे ओह तां आप ही याई याई करदे लभदे फिरदे ने बोदल चढ़िआं नू। And by the way, Mr. Foreign Return, we are glad to be a Pindu. The country you might have visited is far from being advanced from the country I was born and raised in. But I'm glad that my dad brought me back to the land of my gurus, because I'd much rather embrace my own heritage here than try to adopt to someone else's. Foreign Return. Yaar, sardari wali gal ta samajh aa gayi, par ye angrezi zyada goori nahi bol gayi. पीनिया मैं तो पीनिया ओ आ गया मेरा ड्रमर। ओ ओ आ पुत्तर, ओ किथे चले हैं? आजा आजा यार, आजा आजा आ मेरा बच्चा, बैठ। की गल होगी? हाँ, कसूता ही है काम। कोई ना, होने सूत कर देने पुत्र। ऐ ले फड़ पिज्जा डीक लाके, ओ पिज्जा ठा करके पिज्जा। ए दिन वाले तो लग रहा है काम बिगड़ रहा है। ए दिन वाले आज सरदारी ते एक ऐसा लेक्चर सुन के आया है कि समझ नहीं आ रहा है कहानी की है। पापा अब पुत्र दस तो सही, और जे ना समझ आई आप कहानी नवी कर देंगे।
ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਲਚਰਲ ਅਫੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਰੈਪਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਪੁੱਤਰ? ਹਾਂ। ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡ੍ਰਮਸ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਖੜਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੱਕੜ ਵੀ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹੈ ਉਹ? ਆਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਉਹ ਕੋਨਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੇਜੀ, ਉਹ ਤੇਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ? ਯਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਓਏ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਟੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਾ ਫਸਾ ਪਵੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾਈ ਰੱਖ ਯਾਰੀ, ਹੈਂ, ਨਾਲੇ ਵਜਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰਮ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਰੀ ਇਹ ਕੰਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲੈ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਨਾ ਬੁਨਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਾਕਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਬਹਿ ਜਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੀਅਰ ਬਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ ਠਾ ਕਰਕੇ। ਯੂ ਥਿੰਕ ਸੋ? ਲਓ ਜੀ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਓਏ, ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਦੋ ਕੁੱਟਾ ਛੱਡਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੋਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੂਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਯੁਵਰਾਜ। ਚੁੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ, ਅੱਖਾਂ ਤਰਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਯੁਵਰਾਜ ਤੇ ਵੀ ਪਾ। ਆ ਬੈਠ। ਨਹੀਂ ਭੂਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਲਈ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ ਤੇਥੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ, ਡਰਦੀ ਆ ਯੁਵਰਾਜ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੁਝ ਗੁਰਮਤਿ ਵਚਨ ਸੁਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਜੂ। ਇਨਸਾਨੀ ਵਰਤਾਓ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਜਾ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,
जे कोई माड़े वतीरे वाला सानू दुखी कर रहा है जां साडे ते माड़ा प्रभाव पाउंदा है तां असीं वी चंगे वतीरे नाल उस ते चंगा प्रभाव पा सकते हैं। अपने आत्मा दे बल नूं पछाणीए, इहदा सद उपयोग करिए तां दुख दुख नहीं रह जांदे, इन्हां दे प्रभाव भी मद्दम पै जांदे ने ते सुख सुख जित दा नजर आउंदा है। मैं निमाणी शायद कोई चंगा प्रभाव तो ना पा सका, पर कोशिश जरूर करांगी। यार तू इन्ना कुछ तो मंगा लिया खान ले, पैसे तो इत्थे मुक जाएंगे, आपा फिल्म किद्दां देखांगे? ओ फिल्म भी विखावांगा ते पैसे भी बचे रहणगे। ओ किवें? आपा इन्हां नूं दवानी नहीं देनी। ओ वेख जुगाड़, एक मक्खी चक लिया, फिर देख तमाशा। पुत्र आ गया। डैड ए तेजी है, तेजी। ओ बस 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 बस, होर कुछ बोलने की लोड़ नहीं, कलाकार बंदे ने देख लिया जी आप जी दा स्टंट। हो पास है लोकेशन तो ज्यादा, तेरे डैडी पास है। माड़ी मोटी नी मॉडलिंग तुसी शुरू करवाओ, स्टॉक मैं भेज देंगा, थोड़ा बहुत अंडर टेबल शुरू कर दें, छेती लाइसेंस भी मैं बनवा देंगा, फिर ओपनली चल पाऊगा। यही कहते जे यस। वाह भाई वाह, बढ़िया। चंगा जी। हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ओ लाठी लाठी लग गई। पर डैड, आप आनंदपुर साहब के इलाके में बीयर बार किवें खोलांगे? ओए मेरा भोला पुत्र, ओ पुत्र इसलिए जो रेस्टोरेंट है ना, मैं आनंदपुर साहब के दरवाजे तो थोड़ा बार बनवाया है ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आवे। फिर नंदन अपने प्यो नु प्यो है ना, आ जा फिर, आ जा पुत्र। प्यो नु प्यो बह जान यारियां, इतों वध के की होण सरदारियां, प्यो पुत विच बह जान यारियां, इतों वध के की होण सरदारियां, कोई की एनू जाने जे ओ मौजा ना माणे, समझे ना कीमत इस दी, बेकार फिर सारियां जो पंचर लारियां, बेकार फिर सारियां जो पंचर लारियां, प्यो पुत विच पै जान यारियां, इत्थों वध के की होण सरदारियां। बापू सिर ते तेरे ने सारिया, जिन्निया भी ने जिम्मेवारिया, तेनू पुत्रा फिक्रिए कासदी, मैं ता सदरा भी तेरे उतों वारिया, रब्बा इतना ही रहने नहीं यारिया, सानू जान तो भी वध के प्यारिया, आपा दोवां ने रल पैण देनी नी ठल्ला लैणा, रब भी थले जो हिंडा ने प्यारिया भगौणिया ने सारिया, जो हिंडा ने प्यारियां भगौणियां ने सारियां, प्यो पुत विच पै जान यारियां, इत्थों वध के की होण सरदारियां, कोई किए नू जाने जे ओ मौजा ना माणे, समझे ना कीमत इस दी, बेकार फिर सारियां जो पंचर लारियां,
बेकार फिर सारियां जो पंचर लारियां प्यो पुत विच पै जान यारियां इत्थों वधर के की हुण सरदारियां तेरे लिए मैनू यार तेरे वर्गा नहीं मिलना सच्चा प्यार तेरे वर्गा नहीं मिलना सानू टौरा ने साडियां प्यारियां रेणा इतना ही खिंच के तैयारियां अज रेया ना डर दिल आवे जो कर हो जा कैम उड़ा दे पत्तियां तू कट ले ओ सारियां जो बड़ियां करारियां तू कट ले ओ सारियां जो बड़ियां करारियां पै जान यारियां इत्थों वध के की होण सरदारियां कोई किए नू जाने जे मौजा ना माणे समझे ना कीमत इसली बेकार फिर सारियां जो पंचर लारियां बेकार फिर सारियां जो पंचर लारियां प्यो पुत विच पै जान यारियां इत्थों वध के की होण सरदारियां चंगा छोटे वीर कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट सर एक इत्थे रखा ओ किचन विच रामलाल जी ने उन्हें मिल लो ओ रखवा लेंगे जी युवराज हां जी और तू ए कुछ भी बेचेगा इत्थे तू लड्डू खा नाल खुशियां मना मुंडे नु अपने तरीके नाल बिजनेस करन दे हरमन तू जांदा जांदा पुत मेनू भी घरे ला जी मां डैड मा ओहो तू क्यों अपना मूड खराब करी जाना पुत्र हुन तू बिजनेसमैन बनन लगा है बिजनेसमैन वर्गा सोच मेरा बच्चा चल छड मुंह मीठा कर ले मेरे बच्चा कांग्रेचुलेशंस पार्टनर ओ थैंक यू सो मच पार्टनर बहुत बधाई होवे लो जी मुंह मीठा करो जी ओ कोई शैंपियन शुंपियन खोलो आ के लड्डू खवाई जांदे जे ओ तेजी यार हौली हौली शुरू करांगे सब कुछ अजे नवे नवे च थोड़ा हिसाब नाल चलांगे ना ताकि नहीं नवे नवे ते हौली हौली हां ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਕੈਬਿਨਸ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਤੇਜੀ ਬਾਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੀਮੋਡਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਈ ਪਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਖਰੀਦਣ ਖਾਣ ਭਾਵੇਂ ਸੁੰਘਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਖਵਾਈ ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਕਸਟਮਰ ਆਇਆ ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾ ਬੱਚੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਓਏ ਆ ਜਾ ਮਾਰੇ ਹੀ ਸੂਟ ਮਾੜਾ ਜਾ ਕਿਉਂ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਣ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਉਹ ਤੂੰ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹਾਏ ਗਾਇਸ मेरा मतलब सत श्री अकाल जी तुसी करो रिहर्सल मैं तो सिर्फ ये पूछना आया सी कि जे तुहानू लोड होवे तां मैं तुहाडियां बीट्स कंपोज कर दियां क्योंकि तुहाडा थीम कल्ली टोलकी वाला नहीं जे तुसी कोंगो ते डफ ऐड करो तां सही चीज बन के निकलू मैं वजा के दिखा सकदा हां सारा कुछ ओसी साड़ लांगे तू जा बजा जाके तेजी दे रैपर्स नाल आई कैन डू बोथ आई मीन ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਜਾ ਦਿਉ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਨਾਲ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਦੇਈਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੀਆਂ ਤਾਲਾਂ ਹੀ ਵਜਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
तू पहला ऐ कर, सलाह कर ले भी तू केड़े रस्ते तुरना है। जदों सीधा होके आ जाएगा देख लांगे। मेरे पिता जी का फोन आया है, मैं चलदा। शुक्र है वाहेगुरु। चंगा भाई, सत श्री अकाल। हेलो। हाँ जी डैड। हाँ हाँ, तेरा प्यो बोल रहा है। मैं क्या ड्रम मास्टर है, तेनु याद करा दवा। ड्रम मास्टर दे नाल नाल ना तू रेस्टोरेंट ओनर भी है ना। ओ हाँ जी हाँ जी, याद है। देख पुत्र, टाइम से रेस्टोरेंट से आ जाई, तेरी माँ नु मैं राती ना गुरुद्वारे लेके जाना, ठीक है? ओ पहुंच जूंगा। हाँ जी। आई लव यू मेरा बच्चा। चलो ओके बाय। सर मैं किचन चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है। और तानू कुछ चाहिए कि मैं जावा? पार्टनर जी कुछ चाहिदा होर के जान दे नू। सानू जो चाहिदा है वो साडे कोल बथेरा है, जान दे नू। ओ जा काका, जा जा जा। सत श्री अकाल सर। यार बिजनेस वाली कुछ खास गल बन नहीं रही। जिन्ना क बाहर दा कस्टमर ऐड होया उन्ना क रेस्टोरेंट च फैमिलीज होनी घट गया। पर कमाई तो जरूर वधी है पार्टनर। आ चक ते कर सेलिब्रेट। पर कस्टमर फ्लो तो वाकई घटिया ना। ओ 500 बंदियां ने जूठे भांडे मांजण नालों पंजा सत्तां लोकां दियां सुखियां कितियां कमाइयां चंगियां ने। ओ रियली? मैनू पता है तू ते तेरे डैडी इन्हां दा इत्थे बैठना पसंद नहीं करदे, पर राह अपने एक कैबिन विच जिन्ना बिजनेस करदे ने ओना तुसी पूरी बिल्डिंग वर्थ के भी नहीं करदे। हां एंजॉय एंड दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। ले ओए ए नहीं मैं करदा। ट्राई ता कर और रसम जी कर ले, कुछ नहीं हुंदा, खिजा। मैं नशेड़ी थोड़ी बनना। दारू दिया चुस्कियां दा तुसी प्यो पोती लेंदे रहने हो। हां और नशेड़ी बनन नु तुहानू सर्टिफिकेट चाहिदा है। साडे नाल यारी लाई है, निभाउणी ता पैणी है, क्योंकि कच्चे पिल्ले राजदार असी कोई रहन ही नहीं दिंदे। Sir, a case of excessive intoxication, possibly multi-brand liquor mixed on empty stomach and sniffed powder drugs in a quantity thereafter. He collapsed within minutes of sniffing. Doctor, flush his stomach and get me a blood report now. Okay, sir. Fast.
डॉक्टर साहब युवराज साडा बच्चा है। युवराज ठीक था ना डॉक्टर साहब? शराब ते ड्रग्स दे मिक्सचर ने सारा सिस्टम कलैप्स कर दिता। प्रोसीजर शुरू कर देते ने, थोड़ा स्टेबल कर लिए, फिर देखते हैं किवें हैंडल हो सकता है। डॉक्टर साहब कोई खतरे वाली गल तो नहीं? वाहेगुरु अगे अरदास करो। शीशे पत्थर वाला खेड़ा अजीब जहां, एक ने टूटना ते एक रवे बेलाग मजबूर हाँ मैं मजबूर हाँ मैं मजबूर हाँ मैं मजबूर हाँ। एक टुकड़ा सी जो कच दा हुण चूर हाँ मैं मजबूर हाँ मैं मजबूर हाँ मैं मजबूर मजबूर हाँ। मैं सोचा सी जो कड़िया ओ सोचा ही रहिया मैं सोचा सी जो कड़िया ओ सोचा ही रहिया क्यों समझे ना कोई मैं जो भी सी कहिया क्यों समझे ना कोई मैं जो भी सी कहिया मैं सोचा सी जो कड़िया ओ सोचा ही रहिया लगे खुद नू ओ ना तो को दूर हाँ मैं मजबूर हाँ मैं मजबूर हाँ मैं मजबूर हाँ मैं मजबूर एक होका जो गलती दा दिंदा है अज सुने हाँ एक होका जो गलती दा दिंदा है अज सुने हाँ हत्था विच जो सिरेता अज ओ भी ना रहया हत्था विच जो होका जो गलती दा दिंदा ए अज सुने हाँ मैं कुटिया ओह छुटिया होई चूर हाँ मैं मजबूर हाँ मैं मजबूर हाँ मैं मजबूर हाँ मैं मजबूर ਯੁਵਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ
ਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਇਹਦੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਇਹਦਾ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਓਏ ਸਰਦਾਰਾ ਰਾਜ ਉੱਠ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਵੇਖ ਮਾਂ ਉੱਠ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ੀਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਡੈਡ ਆਇਆ ਯਾਰ ਉੱਠ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠਾ ਮਸਤੀ ਕਰੀਏ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਨਾ ਆਣਾ ਯਾਰ ਚਲੀਏ ਤੂੰ ਦੇਖ ਯੁਵਰਾਜ ਬੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਾਫ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਯਾਦ ਦਵਾਓ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਇੰਜੋਏ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜੋ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਮਸਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਈ ਦਲਜੀਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਏ ਮਿੱਟੀ ਚਮਕ ਪਈ ਹੈ ਮੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਰਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਨੀ ਸੋਹਣਾ ਨੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਨੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸੌ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਸੰਨ 1705 ਈਸਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਓਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ
फतेहनामे तू इस तरह गा रहा है जिवें के हुकूमती नी ही पट दित्ती होवे। ओए सलाम कर सरकार नू ते ईन मन जान बख्शी हो जू। टाणिया तो टुटिया कोई पत्ता नहीं आ मैं कह दियो तूफाना नू जरा औकात विच रहे। भगतां की चाल निराली चाल निराली भगतां केरी भिखम मार्ग चलना पंजे नमस्तं अरामे नमस्तं अठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अतर्मं नमस्तं अरामं नमस्तं अतामं नमस्तं अजीते नमस्तं अपीते नमस्तं अबाहे नमस्तं अडाहे नमस्तं अनीले नमस्तं अनादे नमस्तं अचेते नमस्तं अगादे नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सुरेके नमस्तं अनेके नमस्तं अपूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निर्कर्मे नमस्तं निर्परमे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निर्पेशे नमस्तं निर्कामे नमस्तं निर्कामे नमस्तं निर्पापे नमस्तं निर्पापे। सदा पजो जगदीश सदा पजो जगदीश माजी खालसे दा सोदर करन दा वेला बाजी तुसी पाठ करो हैं खालसा जी
बाणी नहीं चेते, गुरसिखा तो सिखो, फिर तैनु सिखाऊंगा। वाहिगुरु जपिए। ओ ता मैं मन विच ही करदा आया। माँ जी तुहानू कीर्तन आउंदा है? दीवे दिलो वांगू जिंदगी दा खेले, बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेले। दीवे दिलो वांगू जिंदगी दा खेले, ओ दीवे दिलो वांगू जिंदगी दा खेले। तू रहन दे जय सिंह, खेड जाके। खेड लांगा, खालसा पहले कीर्त करु, गुरु उपदेश है ते कला तानू नहीं मेनू भी। पर पुरोहित ने नीवी जात दा बोलना ते मेनू पता तेनु चंगा नहीं लगता। जा पुत मैं कर देना। हुन नहीं साडी जात, असी खालसे रब दे बंदे। पर पुरोहित ने नहीं मनना, होता तेनु नहीं पता पुत, तू जा। परवाह नहीं, हथी कीर्त करूं मन विच सिमरन, ओ जो बोले मैं करूं। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। बाजी मैं अपनिया रोटियां सारियां वंड दितियां, पर ओ दो अजे भी भुखे ने। मेरी सुनो, असी गुरु पातशाह दे सिख हां, सानू उपदेश है वंड छकना। असी प्रशादा वंडता, दो अजे भुखे, जे तुसी सारे प्रशादे इकट्ठे करो, पंगत बना के वंडो, सारिआं नूं आसरा होजू। बैठो, पंगत बना के बैठो। मैं रोटी दे दूं, पंगे च नहीं बैंदा, मेरा गोत उच्चा। पुरोहित सानू नीच कहंदा, तुसी एक दूजे नू, असी गुरु के सिख बराबर। तुहाडी मर्जी, साडा जोर नहीं। ले। ले पाई, वरता दे सब नू, ते फिर आप भी छक ली, असी नहीं छकना। क्यों, तुसी अमृत छकिया, पुरोहित हो गए? असी बराबर, उच्चियां देवी नीवियां देवी। फिर छकदे क्यों नहीं? तुसी नशे करदे, सिख नहीं खांदा नशे वालिया नाल, ओ सेवा करदा है सब दी। तुसी बैठो, असी छकाने हैं, बैठो। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। लड़ी गल दा तू मन करे हानिया, सुख जान पत्ते छड़ देंदिया ने टानिया। दस केड़ी गल दा तू मन करे हानिया, सुख जान पत्ते छड़ देंदियां ने टानियां।
वादे वरोले जड़ों पुट देनी वेले वादे वरोले जड़ों पुट देनी वेले बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेले दीवे दिलो वांगू जिंदगी दाखेले दीवे दिलो वांगू जिंदगी दाखेले पाकी दे कथे रह गया भगत बन गए ने आवाज नहीं सुनदा ओए अपना ही लाना रटन गया हट तेरी मारेगा उडारियां ते उड़िया भी जाना नहीं पिग पेंगा मुथे मुंते उठिया भी जाना नहीं काल शिकारी जदों मारनी गुले ले काल मैं ते आ गया पर पुरोहित सारे बराबर मूर्ति पूजा छड़ के हाँ कुछ असी सिख बनिए गुरु बौड़ी करू अरदास करिए पुरोहित नु भी मत आवे दीवे दिलो वांगू जिंदगी ला भाई शाबाश मदद करिया करो हुण तू जाके कपड़े सुकाना जैसे तेनु अपनी मदद आप करनी चाहिदी सी खैर चल कर चल कादा जीना है जी के सहारे ते जे आपे टिकिए ते आपे उठ जा Thank you.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਜਾ ਕੰਮੋ, ਆ ਜਾ, ਲੰਘ ਜਾ, ਜਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆ ਛੱਕ ਲੈ, ਲੈ ਲੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਕੋ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਆ। ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਵਾਈ, ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਛੱਡ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾਜ ਮੰਗਦਾ, ਕੁੜ ਮਾਕੜੇ ਪਏ, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ।
ਉਹ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦੂ ਸਭ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਪੱਲਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਜਾਓ, ਢਹਿਲੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹਵਾ ਤੱਕੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮਾਰ ਕਾਟ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ। ਹਾਂ, ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ। ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਵੇਂ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਬਚੇ ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਛਾਂ ਕਰਵਾਈ। ਜੇ ਛਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤਪਦੇ ਹੋਈਏ। ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਭਾਗ ਲਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਦੇਗ? ਬਸ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ, ਚਲੋ ਬਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਡਿੱਠੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਓ ਮੁੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਨਾ ਛੱਜੂ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਜੀ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਭਈਆ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਜੂ, ਪਰ ਆ ਜੈ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਜਮਾਨ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਾਉਣ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਮੰਗਣ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਸਾਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲੇ ਨੇ? ਚੀਤੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਡੇਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਏ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਖੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮੀ ਖਰੀ ਬਈ, ਸਾਡੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਵਾਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਾਲ ਭੇਡ ਪਾ ਦਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਇਹਦੀ। ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਧਰਮ ਪੁਰਸ਼, ਕੀ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਕੀ ਵਪਾਰੀ ਸੱਜਣ, ਸਭ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਭਦਾ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੁਕਮ ਉਦੂਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਠੜੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਗਠੜੀ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਲਟਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਪਰ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਗੱਠੜੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੱਠੜੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ, ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਗੱਠੜੀ ਵਿੱਚ?
ਲੈ ਸੁਣ ਫਿਰ ਹੁੱਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਚਿਲਮਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ जी मेरे केस गिले गुर कलगी तर ने अमृत पाया कोतवाल साहब मेरे केस हाले भी गिले ने मतलब सिखी ते नशे दा कोई सुमेल नहीं ना करना है ते ना छूने ते ना ही यदि किरत खानी है तुसी मेथों कोई होर सेवा ले सकदे हो ले लो कोतवाल साहब ना हुन ए दसूगा भई सरकार की करन ते की ना करन चुकदा के बरछे दी नोक नाल चुकावा हुन ता जी चाहे बरछा होवे ते चाहे तलवार नशे नूं तां नहीं मैं छूंदा अच्छा तुक्का ही लै फिर जोर अजमाई जोर अजमाई तां फिर डांगा नाल भी हो सकती है क्यों की गल बरशे दी नोक तो डर लगन लग पिया हाँ मैं डरता कि रोजी रोटी ली तेरे हुक्म मनन दी कीमत किते इन्हां नूं अपनी जान दे के ना चुकानी पए हाय कर दियो आर पार Jai Singh,
रुक जा, तुसी भी सारे रुक जाओ। बड़ा मसीहा बन रहे हैं जय सिंह, लगदा मुकाबला बराबरी का नहीं है। ओ तू कला ते मेरे सिपाहियों का टोला है। मैं करदा तेरी फौज बराबर। कोतवाल, मेरे परिवार का ये कोई लैण देण नहीं, इन्हां नूं जाण दे। लैणा देना क्यों नहीं जय सिंह, ये भी ते कृपाना पाई फिरदे ने। और की कहंदे हुंदे हो तुसीं, अकाल पुरख की फौज करेगी मौज, एक पासे तेरी फौज एक पासे मेरी फौज, करो मुकाबला, नहीं तो आ तंबाकू दी पंड इन्हें तो चका दे। Oh,
Vaikru.
माफ कर दे दिलजीत साहब, मैं माफ कर रहा हूं दिलजीत साहब। वाहेगुरु 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 नहीं मेरा बच्चा, मेरा पुत्र। जी पिस्तौल भी अपने कोला ते भज्जे भी आपा ही जाने आ। ओ गोली मार के फाहे लगना, ये तो दबका ही हुंदा है। जिन्नी देर चलदा चलाई जाओ, जद अगले का डर ही मुक गया तो हो टिकाणा लभ लो। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੱਖੀ ਨਿਕਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਚੋਂ ਭਾਜੀ, ਭਾਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਚੋਂ ਮੱਖੀ ਨਿਕਲੀ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਿਕਮੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੱਖੀ ਨਿਕਲੀ ਭਾਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਮੱਖੀ ਨਿਕਲੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਅੱਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਫਿਰ ਲਾਚੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ
अब खाओ तो सही। नो डैड, नो नो डैड, नो नो मक्खी आ, पर है तो अड़ी पाल तू मक्खी है। कोई गल नहीं, तुसी बिल नहीं भरना। हाय मेरा बच्चा, मेरी वड्डी मक्खी। हाँ देख लांगे, ऐतकी फेर सिलेक्शन होनी है। हुण तो वैसे भी अपना ही राज है। खेड़े राज दियां गल्लां हो रहीआं भई। लगता एक पासा कार ही लिया तू। तेरे सामने ही है। हुण मजाएंगा साडे नाल बीच। हुण तां भावें चंगा बजा बना।